हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पाइनएप्पल क्रश की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये पाइनएप्पल क्रश बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही काम की रेसिपी है। ये पाइनएप्पल क्रश से आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, केक में भी यूज़ होता है, जूस भी बना सकते हो। कोई भी गेस्ट आता है तो फटाफट जूस भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए पाइनएप्पल क्रश बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा पाइनएप्पल को ऐसे कट कर लिया है और इसको ये बीच वाला पोर्शन निकाल के इसको कट कर लेना है। तो ये हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और ये बीच का पोर्शन है ना, वो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो ये निकाल देना है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कट करते हैं कि ऐसे एक पीस लेके फिर इसको साइड से ऐसे कट कर लेना है। और ये बीच वाला जो ये पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट हमें निकाल देना है। ऐसे ही हम सब पीसेस कट कर लेते हैं और ये हमारे सब पाइनएप्पल के पीसेस कट होकर रेडी हो गए हैं। अभी मिक्सर जार में इसको डाल के हमें क्रश कर लेना है, यानी पेस्ट बना लेनी है। तो सब पाइनएप्पल हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और अभी ढक्कन बंद करके इसकी पेस्ट बना लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, बिना पानी के ही हमें क्रश करना है। तो हमारा ये पाइनएप्पल क्रश होकर रेडी हो गया है। ये हमारी पेस्ट अच्छे से बन गई है। अभी चेक कर लेते हैं कि हमारी पेस्ट सही बनी है कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये पेस्ट बन गई है। तो अभी ये पाइनएप्पल खट्टा होता है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून जितना चीनी लेते हैं। शुगर जो हम चाय में यूज़ करते हैं वही चीनी है, वो 3 टेबलस्पून जितना लेते हैं और इसको फिर से क्रश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पाइनएप्पल के ऊपर डिपेंड होता है, पाइनएप्पल कितना खट्टा है इसके ऊपर आप चीनी डाल सकते हो, आपको जितना मीठा चाहिए उतना। ये भी हमारा क्रश होकर रेडी हो गया है। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ पेस्ट बन गई है और ये चीनी भी हमारी पिघल गई है। अभी एक पैन लेते हैं और पैन के अंदर ये मिक्सर को हम छान लेते हैं ताकि पाइनएप्पल का कोई पीसीस रह गया हो तो वो निकल जाए। और अच्छे से ये चम्मच की मदद से थोड़ा, देखो नीचे गिर रहा है ना, ऐसे अच्छे से हम इसको छान लेते हैं। और ये हमारी पाइनएप्पल की पेस्ट रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथली हो गया है। अभी एक भी पीस भी नहीं रहा, कोई कचरा भी नहीं रहा है। अभी इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और इसको पका लेते हैं। तो इसको ऐसे पकाना है कि एकदम थोड़ा ठीक हो जाए। इसमें चीनी हमने डाली है तो पानी भी थोड़ा छूटेगा, तो ये चीनी भी थोड़ी मेल्ट हो जाए। और इसको हमें, ये क्रश को हमें स्टोर करना है, तो अच्छे से पकाने के और थोड़ा ठीक हो जाए तब तक पकाना है। फ्रेंड्स, ये फ्रिज में 2 से 3 महीने तक इसको कुछ नहीं होता, स्टोर कर सकते हो। और डीप फ्रीज़र में, मतलब इसमें हम जहाँ बर्फ़ जमती है ना, वहाँ पे आप 6 महीने तक ये क्रश को स्टोर कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बबल्स भी आ गया है और अच्छे से ये पक रहा है। और अच्छे से हम थोड़ा मिक्स करते हिलाते जाते हैं और पका लेते हैं। ठीक होता है तब तक हमें ये क्रश को पकाना है। अभी स्टेज पे हम 2 से 3 ड्रॉप जितना हम ये येलो फूड कलर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कलर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये बाजार जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करो तो भी चलता है। यहाँ पे आप मन चाहो तो पाइनएप्पल एसेंस भी थोड़ा ड्रॉप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं एसेंस नहीं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने नहीं ऐड किया है। देखो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल क्रश अभी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो अभी गैस बंद कर लेते हैं और ये हमारा पाइनएप्पल क्रश बनकर रेडी हो गया है। एकदम अच्छे से ठीक हो गया है। अभी इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और ये फटाफट बन जाता है फ्रेंड्स। और पाइनएप्पल सबको पसंद होता है, तो आपको जब भी मन करे तब आप जूस भी बना सकते हो। आइसक्रीम में भी आप बनाते हो तो 2 चम्मच जितना आइसक्रीम में डाल के भी आप अच्छे से पाइनएप्पल फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हो। केक में भी ये बहुत यूज़फुल है।
तो फ्रेंड्स ये हमारा पाइनएप्पल क्रश बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना थीक और कितना अच्छा बना है, थोड़ा भी पानी का लेयर नहीं है और बहुत ही अच्छा बन गया है। तो फ्रेंड्स ये पाइनएप्पल क्रश बनाना आप देख सकते हो ना कितना आसान है। रेडीमेड पाइनएप्पल क्रश फ्रेंड्स थोड़ा महंगा भी होता है और ये घर में बनाएंगे तो बहुत सही पड़ता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हमारा ये पाइनएप्पल क्रश बन गया है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।